उमर साहब और ये अकरम साहब, आप लोग अभी जा रहे हैं जी टकरी की तरफ। कैसा फील हुआ है आज यहाँ पे? बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने, डर को भी ली है, सस्ती डर को भी ली है यहाँ पे। ये अकरम भाई, क्योंकि ये कुर्बान साहब की जो है वो फेवरेट चीज़ है डर को, ये हमने यहाँ से परचेज की है डर के लिए, उमर साहब कह रहे हैं डर के लिए। इंशाल्लाह वहाँ पे जाके इसको टेस्ट करेंगे, ये 50 रुपए की, और आपको इसका टेस्ट भी बताएंगे कि कैसा था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आना हुआ आप लोग आए यहाँ पे विजिट करें और आप लोग भी हमारी तरह इंजॉय करें। थैंक यू सो मच। सस्ता जहाँ से भी जो चीज़ मिले उसको लेना चाहिए, मेरे ख्याल में अवेल करना चाहिए जहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पैसे हलाल के तो फिर आपको तो ज़रूर ये देखना चाहिए कहाँ पे आपकी बचत हो रही है। ये उमर भाई कह रहे हैं वाण पड़े हुए हैं, वाण जिस तरह की वाण कहते हैं ये उर्दू में क्या कहेंगे कुर्बान साहब? कुर्बान साहब कह रहे हैं इसे हम कहेंगे चारपाई। पाकिस्तान का कल्चरल डांस है। शॉपिंग करनी भी है, हेयर ड्रायर भी है, शीशे कंघी सारा सामान है, थर्मास पड़ा है, शूज़ भी है, ये बाहर का माल होता सारा। उमर भाई हैं ये, और ये इनके चाहने वाले हैं, ये कहते हैं उमर भाई जो चीज़ भी खाए इसके लिए फ्री है। सब में तो गए हो, सब में तो गए होंगे। इसके लिए वो कहते हैं हर चीज़ फ्री है, बाकी जो खाना खाना है इसके लिए फ्री है ना भाई, हर चीज फ्री। थैंक यू। ये पार्क की तरफ कुर्बान साहब की भरपूर फरमाइश पे पैदल चल रहे हैं, लेकिन सांस चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ा हुआ है। ये अकरम साहब हैं, अकरम साहब कैसा फील हो? नो प्रॉब्लम। हाँ जी उमर साहब सबसे पीछे हैं लोग, ये नीचे चौक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पार्क की तरफ, बस पहुँचने लगे हैं। और हमारे साथ जो दोस्त हैं ये हैं अकरम भाई, उमर भाई साथ हैं, इन्होंने कहा कि एडवेंचर करते हैं और पैदल चलते हैं। वहाँ से हम लोग चले हैं, बस अभी चौक के ऊपर पहुँच ही गए हैं।
अभी हम लोग नीचे उतरने लगे हैं जी, आपको दिखाते हैं। कुर्बान साहब भी मेरे साथ हैं। कुर्बान साहब क्या हाल हैं सर? ठीक हैं। चलें सर, अब शहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ दोस्त ऊपर ठहरे हुए हैं, तो अब हम लोग ये देखें, ये देखें, बहुत धूप में ठहरे हुए हैं और बहुत ही इंजॉयबल और बेहतरीन लग्जरी किस्म का माहौल है। ये देखें, ये पानी चल रहा है जी, पानी की आवाज़ देखें, चेक करें, नेचुरल है, इंतहाई खूबसूरत, बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त पानी जा रहा है जी, और इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, इतना मज़ा आ रहा है। ये ऊपर आप पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ देख सकते हैं कितना ऊपर है, और रियली ये नज़ारा देखने के काबिल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। इसको आप देख सकते हैं कितना एंजॉयमेंट वाला माहौल है, ज़बरदस्त। चले मैं आपको आगे, ये जुड़े, हाँ आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ये आबशार और पानी और बहुत ही खूबसूरत प्लेस, जिसको देखने के लिए आई थिंक ये बात गलत नहीं होगी कि इंजॉयबल मोमेंट्स हैं। जितने भी हमारा टूर रहा है, सबसे अगर कोई इंजॉयबल चीज़ हमें मिल रही है तो वो ये मिल रही है। ये देखिए, सबसे इंजॉयबल चीज़ यही मिल रही है, इसको हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को भी दिखा दूँ। ये देखें, ये पहाड़ का पीछे व्यू, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। फोर्ट मिनरू, उससे आते हुए रास्ते में ये एक जगह आती है जहाँ से हम ऊपर से नीचे उतर गए हैं, और बेहतरीन किस्म की ये, इसे आप किस्म कहेंगे क्या, नहर भी कह सकते हैं, स्ट्रीम कहें, नहर कहें, ये वो जगह है। और बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन मंज़र, ज़बरदस्त माहौल, दिलकश नज़ारा। आए आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसा खूबसूरत नज़र है। आपको मिलवाते हैं अभी हमारे जो मोस्ट सीनियर और बेहतरीन दोस्त हैं कुर्बान साहब से, उनसे पूछते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं उनको फोर्ट मिनरू के टूर में। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे जो बेहतरीन नज़ारा है वो यही था। देखते हैं कुर्बान साहब से उनको क्या फीलिंग्स होती हैं और कैसा लगता है, तो जानते हैं उनकी ज़बानी। कुर्बान साहब सर क्या हाल हैं? तो हम हर दफ़ा फोर्ट मिनरू आते हैं, तकरीबन 2000 से आ रहे हैं यहाँ फोर्ट मिनरू। ठीक है। और आते हुए लाजमी यहाँ पे आके स्टे करते हैं, देखते हैं। ठीक है। पानी का बहाव, पानी का शोर, ये बहुत ही मज़ा देता है क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान में है। सही है। ऐसा, और ऊपर देखते हैं तो हमें पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। कुदरत को देख के हम अल्लाह पाक की तारीफ करने में मजबूर हो जाते हैं। बेशक बेशक। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी नेमतें बनाई हैं जो हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। और हमें इस जगह का विजिट लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। आप लाजमी आया करें इस जगह पे, ये सेंटर में है, फोर्ट मिनरू से जाते हुए दीदी खान और फोर्ट मिनरू के दरमियान में ये आपका बह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आप लाजमी आया करें, ये पिकनिक पॉइंट है। तो मजीद आगे जा रहे हैं कि देख रहे हैं कि पानी कहाँ से निकल रहा है, तो कोशिश है कि थोड़ा सा आगे जाके उसे देख सकें। उनको आप देख सकते हैं, उमर साहब है, उमर साहब है, वो आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। तजस्सुस है उन्हें कि ये निकल रहा कहाँ से है पानी, लेकिन उनको ये नहीं पता चलने वाला कि ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक खूब जानता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो गाइस, वी रियली एंजॉयड दिस ट्रिप।
पानी बड़ा है यार, बहुत बड़ा पानी है, पानी में उतरे हुए हैं हम लोग। पानी नाजिम अच्छा खासा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, एक हमारे साथ और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनसे वो आगे तक गए, उनसे पूछते हैं कि आगे क्या मनाजर थे और उनको कैसा फील हुआ और उन्होंने क्या क्या चीज़ आगे देखी है। तो सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। आइए आपको मिलवाते हैं जनाब मोहतरम उमर साहब से। उमर साहब क्या हाल है, ऊंचा बोलना है आपने। हाँ जी, मैं ऊंचा लाता हूँ। हाँ, और मैं इधर से आगे तक गया था, मैंने कहा देखते हैं पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जब मैंने इधर से टर्न किया तो इधर से काफ़ी दूर से फिर पानी नीचे से आ रहा है, जैसे यहाँ बह रहा है ना। हाँ, उधर से ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सटने की कोशिश की है कि आप भी आप आ जाए, फिर हम इधर से ऊपर से रास्ता। इन्होंने काफ़ी सटने की कोशिश की है जी, आपको काफ़ी सदा है। ठीक है, आप नहीं आए। ठीक है, पानी जो है काफ़ी नॉर्मल ही है, गर्म है, ठंडा नहीं है, पानी वाले के पहाड़ों का पानी है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है उमर भाई। हाँ, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये पानी यहाँ से निकल रहा होगा किसी पहाड़ के नीचे से, हालांकि ये एक ऐसे दूर से आ रहा है, पानी बहुत दूर से आ रहा है जी। आगे और मूवमेंट है आगे के लिए, एक दूसरा रास्ता है जो बहुत ही ज़्यादा टफ है। कुर्बान साहब ये कहते हैं कि अब हमने वहाँ से ऊपर चढ़ना है, यहाँ से हम लोग ऊपर नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा आसान था। तो इस रास्ते को जो कुर्बान साहब है ना, उन्होंने ठुकरा दिया है मुकम्मल तौर पर। नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही टफ रास्ता, कुर्बान साहब वहाँ पहुँच चुके हैं, उनका कहना था अब यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही टफ और बहुत ही कठिन रास्ता है। तो कुर्बान साहब की भरपूर फरमाइश से हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे जाकर कठिन रास्ते से चढ़ेंगे। उमर भाई कह रहे हैं कि मैंने नहीं चढ़ना, पर देखते हैं अभी वो चढ़ते या नहीं चढ़ते। कोशिश करेंगे, चढ़ेंगे भाई। जंपिंग करने लगे अभी, यार दुआ करे सही सलामत पहुंच जाए। कुर्बान साहब तो नीचे जंप कर चुके हैं। यार यहाँ से चढ़ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी नाज़रीन, अगर यहाँ से हमें चढ़ना होगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना नीचे है कुर्बान साहब, यहाँ पर उन्होंने जंप किया है। और आप रियली हैप्पी मोमेंट्स, इंजॉयबल मोमेंट्स। यार बड़ा रास्ता है आगे कुर्बान साहब। दरिया समंदर क्या क्या जाने, वो देखिए यार कहाँ पर हमने जाना है, बड़ा रास्ता है यार आज, ये बहुत ही कठिन रास्ता, बहुत ही डेंजरस रास्ता है जिसको हम चूज कर चुके हैं। कुर्बान साहब वहाँ तक हमने चलना है, वो वहाँ पे एक आपको झंडियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, वहाँ तक हमने चलना है, साथ रहिए।
की हुई है आगे जाने की। नाज़रीन यकीन जाने ऐसे मूवमेंट्स मैंने आज तक नहीं देखे। ये देखा हमारा साथी वो वहाँ पे फंसा हुआ है, हमने उसको रोका है कि भाई वहाँ पे जाने की जगह नहीं है जहाँ पे आप जा रहे हैं। कुर्बान साहब ने भी बड़ा रोका है, उसने हमारी बात नहीं सुनी। कुर्बान जबरदस्त और फैंटास्टिक मोमेंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। नाज़रीन पानी में पूरा गीला हो चुका हूँ, ये देख लें गिर चुका था, यानी कि गिरने का वो तो नहीं है, ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्लिपरी जगह थी, फिसल गया था। अमर भाई बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं और वहाँ से मैंने बोला बहुत इन्जॉय कर लिया, रियली इन्जॉयबल मोमेंट्स हैं। पार के जरिए इसको पकड़ के हमें ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं। चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग ये उमर भाई है चिड़िया पकड़ी हुई है हमने, अब ये ऊपर जाना है वो वहाँ तक हमें पहुँचना है।